आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गूगल कैलेंडर इवेंट्स फ्रॉम न्यू नोशन डेटाबेस आइटम नोशन जो कि हमारा एक वेब बेस्ड नोट मेकिंग एप्लीकेशन है हम चाहते हैं कि जब भी हम नोशन के अकाउंट में कोई नया डेटाबेस करते हैं तो सेम डिटेल्स का यूज करके जो नोशन के डेटाबेस है उसका यूज करके गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली एक इवेंट क्रिएट हो जाए तो हम ये कैसे करेंगे ये हम करेंगे नोशन और गूगल कैलेंडर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेब्लिक कनेक्ट की मदद से जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है नोशन में कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है सेम डिटेल्स का यूज करके ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर में

तो ये हम कैसे करेंगे ये हम करेंगे नोशन और गूगल कैलेंडर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पैवली कनेक्ट की मदद से कि जैसे ही इस डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट होगा तो सेम डिटेल्स का यूज़ करके एक इवेंट गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा तो चलते हैं न्यू पे यहाँ पे टाइप करते हैं यू आर एल डब्ल्यू 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 डॉट पी ए डब्ल्यू एल वाई डॉट कॉम स्लैश कनेक्ट तो आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज पब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशनस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे और यह है पब्लिक की पांच मेन एप्लीकेशंस हमको जाना है पब्लिक कनेक्ट पे क्योंकि आज हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है दो एप्लीकेशंस को लिंक करना है इसलिए मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे क्लिक करूंगा एक्सेस नाव पे और अब हमारे सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड तो ये है नेक्ट का डैशबोर्ड हमको जाना है राइट साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्क फ्लो पे इसके बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स बॉक्सर होगा यहां पे ये हमसे पूछेगा नाम इस वर्क फ्लो को देने के लिए तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी नोशन के डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट हो या नए टेबल ऐड हो तो सेम डिटेल्स जो हमने नोशन के डेटाबेस में ऐड करी है उसका यूज करके गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली एक इवेंट क्रिएट हो जाए

के डेटा में इसमें जैसी कोई नया आइटम क्रिएट होता है तो एक्शन मतलब गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली एक इवेंट क्रिएट हो जाए तो हम जाएंगे ट्रिगर पे और यहां पे सिलेक्ट करेंगे हमारी

इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी एट आवर्स इसके बाद हमको क्लिक करना है कनेक्ट पे एड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट करना है हमारे नोशन के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हमको देनी है एक्सेस पब्लिक कनेक्ट को हमको क्लिक करना है स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट पेजेस पे और यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेना हमारा पेज तो मेरे जो पेज का नाम था वो था पी सी पी सेवन एंड रजिस्ट्रेंट इसको मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे और आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है इसका मतलब जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सीवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे नोशन में जो हमने डेटा बिस् क्रिएट किया था ये जो आइटम हमने क्रिएट किया था इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी तो मान लीजिए हमने एक सेमिनार रखा था जिसमें हमारा जो फर्स्ट नेम था यूजर का जो रजिस्टर कर रहा था सेमिनार के लिए उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम उनका ई फोन नंबर और डिटेल्स लाइक डिस्क्रिप्शन और इवेंट का नाम स्टार्ट डेट एंड एंड डेट तो हमने ये डेटा बिज आइटम हमें पूरा क्रिएट करा था और वापस चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सीवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो अब देखेंगे हमको एपीआई रिस्पॉन्सर पर रिसीव हो चुका है तो ये थी हमारी स्टार्ट डेट इवेंट की ये था हमारा ईमेल एड्रेस उस पर्टिकुलर यूजर का जिसने हमारे सेमिनार में रजिस्टर किया था ये थी हमारी डिस्क्रिप्शन सेमिनार की डिस्क्रिप्शन फोन नंबर एंड ये था हमारा लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम तो मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है जैसे ही नोशन में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे उसकी डिटेल्स पब्लिक पेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगी पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्क फ्लो है ये हर आठ घंटे में ट्रिगर होगा मतलब हर आठ घंटे के बाद ही जाके जो पब्लिक कनेक्ट है वो नोशन से सारी डिटेल्स फेच करेगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है हम चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप की ओर अब जो कि हमारी एक्शन स्टेप तो एक्शन स्टेप में आप जानते हैं कि हमको गूगल कैलेंडर में एक डिटेल इवेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन गूगल कैलेंडर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट एन इवेंट क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे एड न्यू कनेक्शन और अब हमारे गूगल कैलेंडर के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा हमारा अकाउंट और एक्सेस दूंगा पब्लिक कनेक्ट को गूगल कैलेंडर से कनेक्ट होने के लिए तो अब देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन पे सक्सेसफुल हो चुका है इसका मतलब जो हमारा गूगल कैलेंडर का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा कैलेंडर तो मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कैलेंडर को नाम दिया है डेमो टेस्ट का यहाँ सेलेक्ट करूंगा कैलेंडर डेमो टेस्ट इसके बाद आपके सामने ये फील्ड आ रही होंगी टाइटल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट डेट एंड डेट टाइम जोन तो इस इसपे हम यूज करेंगे मैपिंग का अब मैपिंग क्या होता है मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशंस में ये जो रिस्पांस मिला था ये जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसमें हमको जो रिस्पांस मिला था इसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी ऑटोमेटिकली अब मैपिंग कैसे की जाती है तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इसका मतलब जो प्रीवियस स्टेप में हमको डेटा मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे विदाउट मैनुअली टाइप करके तो देखिए यहाँ आप, आपको शो हो रहा होगा नोशन जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो हमको यहाँ पे शो हो रही है इसके डाउन पर हमको क्लिक करना है और यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है हमारा टाइटल तो टाइटल था हमारा सेमिनार सेमिनार ऑन इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन तो ये था हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से कर लेंगे मैप ये था हमारा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन और लोकेशन को मैं छोड़ूंगा ब्लैंक क्योंकि ये नहीं है फिर आती है हमारी स्टार्ट डेट तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमको स्टार्ट डेट और एंड डेट का जो फॉर्मेट दिया है वो इस फॉर्मेट पर दिया हुआ है ये है हमारी डेट का फॉर्मेट तो हमको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे डिटेल्स मैप करनी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर का जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ डेट टाइम फॉर्मेटर तो वापस चलते हैं ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस बटन पे और यहां से, तो से चूज करूंगा और जो डेट जो हमारी गेट डेट थी जो स्टार्ट डेट थी 11 मार्च 2023 और ये जो टाइम था और जो एंड डेट थी इसका हम करेंगे फॉर्मेट चेंज पेबली कनेक्ट के इस फीचर की मदद से एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट जोन

क्योंकि हमको चाहिए ईयर मंथ एंड डेट एंड देन टाइम तो ये है इसका फॉर्मेट हमको इस फॉर्मेट में लाना है फिर हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से टाइम जोन तो टाइम जोन था हमारा एशिया कोलकाता टू टाइम जोन हमको करना है सिलेक्ट यूटीसी

दो हजार तेईस फाइव थर्टी पी पे जो हमारा सेमिनार खत्म हो रहा था इसको हम करेंगे अब एडिट तो फ्रॉम फॉर्मेट वापस सिलेक्ट करूंगा मैं ये तो ये था हमारा फ्रॉम फॉर्मेट फ्रॉम फॉर्मेट ये टू फॉर्मेट में वापस हमको सिलेक्ट करना है ये वाला फॉर्मेट और फ्रॉम टाइम जोन वापस वही एशिया कोलकाता स्लैश कोलकाता टू यू वापस क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखिए हमको ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है मतलब हमने दोनों डेट थी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट उसके फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर दिए हैं अब इन दोनों का यूज करना है और हम यहाँ पे कर देंगे इन दोनों को मैप तो स्टार्ट डेट वापस मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले कनेक्ट पे कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करना है सेव पे तो ये जो पूरा पेज है वापस रिफ्रेश हो जाएगा जो हमारा एक्शन स्टेप थी गूगल कैलेंडर की और अब हम जैसे क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट टाइम पे तो अब देखिए यहां पे आपको शो हो रहा होगा डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पेबली फॉर्मेट टाइम विथ तो सेकंड स्टेप पे जो हमने सबसे पहले स्टार्ट डेट को फॉर्मेट किया था वो हम यहां पे कर देंगे मैप तो ये थी हमारी स्टार्ट डेट फॉर्मेटेड वाली इसके बाद सेम हम एंड डेट को भी कर देंगे मैप तो ये हमारी थर्ड स्टेप में आई थी एंड डेट तो ये था हमारा रिजल्ट इसको भी हमने कर दिया मैप टाइम जोन को हम वापस सिलेक्ट करेंगे यूटीसी विजिबिलिटी हम रखेंगे पब्लिक और गेस्ट गेस्ट में हम मैप करेंगे हमारी मेल आईडी तो उस यूजर की मेल आईडी तो ये हमारी मेल आईडी और अब देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा तो क्लिक करते हैं सेवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो देखिए यहाँ पे हमको स्टेटस पे दिखा रहा है कन्फर्म एपीआई रिस्पॉन्स हमको पॉजिटिव मिला है समरी में लिखा है सेमिनार ऑन इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन डिस्क्रिप्शन क्रिएटर आई डी टेमो टेस्ट तो इसका मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है वो हमने सेट कर दिया है अब चेक करते हैं हमारा गूगल कैलेंडर की क्या वहां पे इवेंट क्रिएट हुआ है या नहीं तो चलते गूगल कैलेंडर पे तो आप देखिए ग्यारह मार्च दो को सेमिनार ऑन इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन का इवेंट क्रिएट हो चुका है इसको हम करते हैं ओपन तो देखिए स्टार्ट डेट थी हमारी ग्यारह मार्च दो हजार एंड डेट थी हमारी तेरह मार्च दो हजार तेईस साढ़े पांच पीएम वन गेस्ट और ये था हमारा डिस्क्रिप्शन तो यहाँ हमारे जो पूरा ऑटोमेशन है ये वर्क कर रहा है सिंपली हमने फोर स्टेप में ये ऑटोमेशन पूरा क्रिएट कर लिया है इसमें हमने यूज किया है डेट टाइम फॉर्मेटर का जो एक पेब्लिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मतलब सिंपली फोर स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है तो सबसे पहले हमने क्या किया था सबसे पहले जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी नोशन नोशन की इस डेटा बेस जो हमने डेटाबेस आइटम क्रिएट किया था इसका जो पूरा डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट में फेच किया नोशन को सबसे पहले हमने पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट किया जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी और फिर उसके बाद गूगल कैलेंडर को हमने कनेक्ट किया जो हमारी एक्शन स्टेप होने वाली थी फिर डेट और टाइम को हमने फॉर्मेट किया पब्लिक के फीचर से डेट टाइम फॉर्मेटर से और सिंपली हमने गूगल कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट कर दिया है तो ये फोर स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक क्रेडेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें ई कर सकते हैं सपोर्ट पर अगर आपको कोई क्वेरीज है आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं फॉरम पर अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू